हिंदी सिनेमा में हमेशा से ही खांच का दबदबा रहा है। 60s-70s में यूसुफ खान यानी दिलीप कुमार से लेकर आज के दौर में सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, हर कोई बॉलीवुड को रूल करता चला आया है। लेकिन मजे की बात यह कभी भी तीनों खान यानी सलमान, शाहरुख, आमिर ने एक साथ काम नहीं किया। बहुत से डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने अप्रोच किया लेकिन हर बार सबको नाकामी हाथ लगी। सिर्फ एक डायरेक्टर थे अनुपम खेर, जिन्होंने अपनी पहली मूवी के लिए तीनों खान को अप्रोच किया था। उसका नाम था ओम जय जगदीश। ओम जय जगदीश पहली मूवी बन सकती थी जहां पर शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान तीनों नजर आते, वो भी भाई बनकर। लेकिन यश चोपड़ा के मनाने के बावजूद तीनों की बात नहीं बनी और बाद में अनुपम खेर साहब ने अभिषेक बच्चन, फरदीन खान और अनिल कपूर से काम चलाया है। बहरहाल अब तीनों एक्टर्स को एक साथ लाने का जो ड्रीम है वो शाहरुख खान तो नहीं सलमान खान पूरा करते दिखाई दे रहे हैं और उनके अकॉर्डिंग कोई भी मूवी इतनी बड़ी नहीं हो सकती जितनी आजकल स्पाई यूनिवर्स हो चुकी है। और स्पाई यूनिवर्स में ऑलरेडी सलमान खान, शाहरुख खान का दोस्ताना हर कोई देख चुका है। ऐसे में सलमान खान चाहते हैं कि अकेली स्पाई यूनिवर्स मूवी हो सकती है जहां पर आमिर खान की एंट्री हो और तीनों खान एक साथ काम करें विदाउट एनी ईगो क्लैश। ये बात सलमान खान ने अपनी भांजी की मूवी फर्रे के प्रमोशन के दौरान कही और उन्होंने कहा कि सलमान खान, शाहरुख खान ऑलरेडी स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा है। और मजे की बात यह कि आमिर खान ने भी दोनों फिल्मों को देखा है यानी पठान टाइगर को देख चुके हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा इस मूवी की तारीफ की है। जाहिर सी बात है आमिर खान किसी मूवी की तारीफ करते हैं तो कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग फैक्टर नज़र आता है। और सलमान खान के मुताबिक आमिर खान अगर इस यूनिवर्स में चाहें तब एंट्री मार सकते हैं बिकॉज अभी यूनिवर्स को एक्सपेंड करने के लिए बहुत मसाला बाकी है। मजे की बात है कि सलमान खान एक तीर से दो निशाना लगाने वाली बात कहते हैं। उनके अकॉर्डिंग आमिर खान के इस यूनिवर्स में आने से या तो यूनिवर्स की ब्रांडिंग बढ़ेगी, दूसरा तीनों खान्स को एक फ्रेम में देखने का ड्रीम पब्लिक का पूरा हो जाएगा। सलमान खान की बात इसलिए भी प्रैक्टिकल लगती है बिकॉज तीनों खान वैसे तो बड़े रोलों में एक साथ आते नहीं है, सिर्फ ये मूवी होगी जहां पर कैमियो के तौर पर तीनों स्टार आते रहेंगे और बाद में जब कहानी को बड़ा एक्सटेंशन मिलेगा तब हो सकता है सिविल वॉर की तरह या फिर एंड वॉर की तरह सारे एक्टर एक साथ आ जाएं एक ही टीम में लड़ते हुए नए नए विलेंस के साथ। तो सलमान खान का ये आइडिया हो सकता है आदि यानी आदित्य चोपड़ा सुन रहे हो और वो सुने सुने आइडियो पर फिल्म बनाने के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, इसलिए हो सकता है वो तीनों खान्स को एक साथ लाएं और यूनिवर्स को एक्चुअल में बॉलीवुड के तीनों खान का रूलिंग टॉपिक बना दें। आइडिया बहुत क्रैकी है, सलमान, शाहरुख ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं, लेट्स वेट फॉर द आमिर खान स्पाई यूनिवर्स। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।